Hi guys, welcome back to the channel everyone. This video is about the Pro Kabaddi League Season 10. इस वीडियो में हम बात करने वाले Pro Kabaddi League Season 10 से दो बड़ी अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है जो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखते रहे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने प्रीवियस दो वीडियोज में यही बात कही थी सभी व्यूअर से, हम बहुत ज्यादा करीब है यहाँ पे 1K सब्सक्राइबर्स को कम्प्लीट करने में। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए ताकि ये सभी हमारे व्यूअर्स तक पहुंचे और हम जल्दी ही 1K सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करेंगे इस चैनल पर। तो इस वीडियो में हमने टोटल 2 अपडेट्स के ऊपर बात करनी है। एक तो यहां पे अपडेट निकलकर सामने आ रही है तमिल तलाईवास टीम से रिलेटेड पीकेएल सीजन 10 के लिए। दूसरी बड़ी अपडेट निकलकर आ रही है यहां पे प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का स्टार्टिंग डेट कब से है, प्रो कबड्डी लीग सीजन हमें यहां पे किस तारीख किस मंथ से हमें देखने को मिलेगा। और मैंने एक टारगेट भी रखा है यहां पे, हम फरवरी बिफोर एंडिंग द मंथ हम 1K सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप सभी व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि हम जल्दी ही 1K सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। एनीवेज तो आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर जिस पे हमें बात करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहां पे तमिल तलाईवास टीम से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तमिल तलाईवास टीम ने सीजन 10 के लिए अपने असिस्टेंट कोच का नाम अनाउंस कर दिया है, अनूप सर। हमें यहां पे अनूप सिंह सर हमें प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 के लिए तमिल तलाईवास टीम में एज ए असिस्टेंट कोच नजर आ सकते हैं। बिकॉज इसके ऊपर बहुत ज्यादा रीजन है। पिछले साल तमिल तलाईवास टीम सीजन 9 में प्लेऑफ्स तक पहुंची, इसके बिना पे तमिल तलाईवास के ओनर और टीम स्टाफ ने यहां पे अगेन अनूप सिंह को मौका दिया एज ए असिस्टेंट कोच टीम में रहने का। तो अनूप सिंह कंफर्म हो चुके यहां पे पीकेएल सीजन 10 के लिए असिस्टेंट कोच की भूमिका में नजर आ सकते हैं तमिल तलाईवास टीम के साथ। दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है हेड कोच से रिलेटेड, यह भी इसी टीम से रिलेटेड निकलकर सामने आ रही है। तो इस टीम के हेड कोच अशन कुमार रहने वाले हैं पीकेएल सीजन 10 के लिए। ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि अशन कुमार सर की परफॉर्मेंस पर तमिल तलाईवास टीम पिछले साल सेमीफाइनल्स तक प्रवेश कर चुकी थी पीकेएल सीजन 9 में तमिल तलाईवास टीम। तो यहां पे अशन कुमार से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अशन कुमार हमें पीकेएल 2025 तक, तो तमिल तलाईवास टीम ने यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अशन कुमार सर पीकेएल 2025 यानी कि 1-2 सीजन में हमें अगेन अशन कुमार सर एज ए हेड कोच पीकेएल में तमिल तलाईवास टीम के साथ दिखने वाली है। तीसरी बड़ी अपडेट की बात करेंगे, तीसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 से स्टार्टिंग डेट से रिलेटेड। बट यहाँ पे एक इशू है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 बिफोर सितंबर भी हो सकता है, आफ्टर सितंबर भी हो सकता है। बिकॉज अभी तक फ्रेंचाइजेज ने कोई भी तैयारियां नहीं की रिटेंशन के बारे में या रिलीज रिटेंशन प्लेयर्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे पीकेएल सीजन 10 आफ्टर सितंबर भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे एशियन गेम 2023 सितंबर के महीने में है। या ये भी हो सकता है प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 हमें अपने नेचुरल विंडो अगस्त जून जुलाई में देखने को मिलेगा। अगस्त के महीने में होता था ऑक्शन, उसके बाद फिर जल्दी हमें पीकेएल सीजन 10 का लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलता था। बट इसके ऊपर अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है। जब भी मिलेगी तो हमारी इस चैनल पर एक प्रॉपर वीडियो बन जाएगी स्टार्टिंग डेट से रिलेटेड, रिटेंशन रूल से रिलेटेड और प्लेयर्स कौन कौन से रिटेन हो चुके हैं किस किस टीम ने। फिलहाल हम इस वीडियो का यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी इसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।